मोंस्टेरा बहुत ही सुंदर एक प्लांट है। मोंस्टेरा के 40 वेराइटीज़ है। मेरे पास दो है, मोंस्टेरा एडानसोनी, इसको स्विस चीज़ भी बोलते हैं, मोंस्टेरा स्विस चीज़, और इसको बोलते हैं मोंस्टेरा डिलिसियोसा। तो पहले मैं मोंस्टेरा की जियोग्राफिकल लोकेशन और प्लेस ऑफ ओरिजिन इसके बारे में मैं बात करती हूँ, क्योंकि हम जब प्लांट लाते हैं इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में हमें आइडिया नहीं हो तो हम उस प्लांट को ठीक तरीके से केयर नहीं कर पाते। इसलिए मैं पहले इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बोलती हूँ। मोंस्टेरा बेसिकली रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं। बड़े बड़े ट्री के कैनोपी पे मोंस्टेरा ग्रो करते हैं, इसलिए इसको ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद है। और बहुत सारी चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा जब हम इंडोर या हमारे घर में रहते हैं, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट है उस वाले क्लाइमेट तो हम दे नहीं पाते, तो इसलिए कुछ चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। तो आज का जो वीडियो है मेरे, ये मोंस्टेरा के केयर के बारे में है, और मोंस्टेरा की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है जो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। पहले मैं बोलती हूँ मोंस्टेरा की लाइट के बारे में। मोंस्टेरा तो मैंने पहले भी बताया है कि रेन फॉरेस्ट की प्लांट है। तो बड़े बड़े जो प्लांट है, जो बड़े बड़े जो ट्री है, इसके कैनोपी पे ये ग्रो करते हैं। तो इसको बेसिकली यही समझ आता है कि इसको जो इनडायरेक्ट लाइट, वो वाले लाइट इसको पसंद है, इसलिए आप डायरेक्ट लाइट में मोंस्टेरा को नहीं रखना। डायरेक्ट लाइट में मोंस्टेरा को रखने से क्या होगा, इसके लीव्स जल जाएंगे। देखिए, मैंने बीच में ये मैं तो नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट बहुत ही गर्म होते हैं, तो बीच में मैंने हैंगिंग में इसको रखा है बाहर, तो देखिए साइड से ये जल गया। तो आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना, इनडायरेक्ट लाइट में इसको रखना। और आप देखोगे मोंस्टेरा क्या होते हैं, मोंस्टेरा को आप जब भी ब्राइट लाइट में रखोगे, आप ब्राइट लाइट के ऑपोजिट साइड में मोंस्टेरा फेस कर लेगा, क्योंकि हम जब प्लांट को रखते हैं हम देखते हैं जब जिस साइड में लाइट आते हैं उस साइड में प्लांट अपना जो फेस है उस साइड में कर देते हैं, लेकिन मोंस्टेरा क्या होते हैं, मोंस्टेरा को ज़्यादा ब्राइट लाइट पसंद नहीं, इसलिए ये क्या करते हैं, मैंने पहले इस साइड में रखा था, देखिए प्लांट अब इस साइड में हो गया। तो यही पता चलता है मोंस्टेरा को ज़्यादा ब्राइट लाइट पसंद नहीं है। तो आप जो घर में जहाँ भी रखोगे इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखना और ज़्यादा लाइट में नहीं रखना। ब्राइट लाइट में ठीक है, सुबह का एक घंटे दो घंटे का ब्राइट लाइट में आप रख देना, इसके बाद आप कुछ प्लांट के साथ इसको रख देना, तो इससे मोंस्टेरा बहुत अच्छे से ग्रो कर। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। मोंस्टेरा को आप ड्राई नहीं रखना और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना। जब भी आप मोंस्टेरा पे वाटरिंग करोगे, ऐसे वाटरिंग करना जब आप पानी दोगे नीचे से ये ड्रेन हो जाए, इस बात का आप ख्याल रखना, क्योंकि मोंस्टेरा को मॉइस्ट सोयल पसंद है। इसलिए आप ज़्यादा ड्राई रखोगे तो क्या होगा, मोंस्टेरा के जो लीव्स होते हैं ना धीरे धीरे येलो हो जाएंगे और धीरे धीरे से ये ख़राब हो जाएगा। जब भी आप वाटरिंग करोगे इस बात का ध्यान रखना वाटर ड्रेन हो जाए, और जब वाटरिंग करोगे आप सॉइल को चेक करके फिर वाटरिंग करना, फिंगर डिप मेथड का यूज़ करना। अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं मोंस्टेरा के लिए, क्योंकि मोंस्टेरा को आप जब भी सॉइल मिक्स करोगे तब ड्रेनेज वाली सॉइल तो बनाओगी, और मोस्ट का भी आप ख्याल रखना, इसमें आप 50% कोकोपीट, 20% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% इसमें आप जो ड्राई लीव्स होते हैं ड्राई लीव्स, और नहीं तो ड्राई लीव्स जो कंपोस्ट होते हैं उसको आप मिला लेना, क्योंकि मोंस्टेरा बड़े रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं, उस एरिया में जो सॉइल होते हैं केनोपी के, तो वो वाले सॉइल होते हैं जो मॉइस्ट होते हैं ना, वो वाले सॉइल इसका होते हैं। इसलिए आप जब भी इसके सॉइल मिक्स बनाओगे आप ड्राई लीव्स
इसमें दे देना, इससे बहुत बढ़िया इसका सॉइल मिक्स बन जाते हैं। और इसमें वर्मी कंपोस्ट आप डाल देना। तो जब भी आप सॉइल मिक्स बनाओगे, मॉइस्ट वाली सॉइल बनाना और ड्रेनेज वाली सॉइल बनाना, जहाँ पर ह्यूमिडिटी अच्छे होते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पर आप कोकोपीट थोड़ी सी कम डाल सकते हो। और नॉर्थ इंडिया में जब हम मॉइस्चरा के लिए सॉइल मिक्स बनाते हैं, वो सॉइल मिक्स में कोकोपीट मस्ट है मॉइस्ट के लिए। तो जब भी आप सॉइल मिक्स बनाओगे, वो सॉइल मिक्स में आप कोकोपीट देख के, अपने एरिया की क्लाइमेट देख के आप वो सॉइल मिक्स बनाना, ठीक है। तो अब बोलती हूँ इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। मॉन्स्टेरा को फिश फर्टिलाइज़र और सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। सीवीड फर्टिलाइज़र और नहीं तो फिश फर्टिलाइज़र जो होते हैं, उसको आप पानी के साथ डाइल्यूट करके साल में दो बार, स्प्रिंग और ऑटम, उस टाइम में आप मॉन्स्टेरा पे डाल देना और पत्तों में भी आप स्प्रे कर देना। इससे मॉन्स्टेरा की ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं, मॉन्स्टेरा बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आप साल में दो बार इसमें फर्टिलाइज कर देना। अब बोलती हूँ मॉन्स्टेरा की ह्यूमिडिटी के बारे में। देखिए, मॉन्स्टेरा को ह्यूमिडिटी पसंद है, इसलिए हम जब भी घर में लाते हैं मॉन्स्टेरा को, आप बहुत सी प्लांट के बीच में मॉन्स्टेरा को प्लेस करना। इससे क्या होते हैं, एक दूसरे से इसको ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं। और साथ में कुछ वाटर रख के, कुछ बाउल में रख सकते हो। और मैंने क्या किया है, देखिए मेरा छोटा सा एक एक्वेरियम है, तो इसके पास मैंने मॉन्स्टेरा को प्लेस किया। तो इससे क्या होते हैं, मॉन्स्टेरा को इस वाटर से ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं। मेरे जो सारे मॉन्स्टेरा है, वो सारे मैंने ऐसे ही जगह में प्लेस किया। ये मॉन्स्टेरा को मैंने, ये जो गुडलक बम्बुआ है, इसके पास मैंने रखा हो, तो इससे भी इसको ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं। तो जब भी आप इंडोर में मॉन्स्टेरा को प्लेस करोगे, आप इस बात का ख्याल रखना, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली इस बात का ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसलिए आप ऐसे आप मॉन्स्टेरा को प्लेस करना। और आप रोज़ सुबह और शाम को ऐसे दो बार थोड़ी थोड़ी सी ऐसे मिस्टिंग कर देना, क्योंकि रेन फॉरेस्ट की प्लांट है, तो पानी ऊपर से गिरेगा तो प्लांट को भी बहुत आराम लगेगा और इसको ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप मिस्टिंग कर देना दो बार। और एक चीज़ आप कर सकते हो, पेबल ट्रे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैंने केलाथिया, जो मेरे सारे केलाथिया है, इसके लिए मैंने पेबल ट्रे यूज़ किया और इसके पास मैंने मॉन्स्टेरा को प्लेस किया हो। तो यहाँ पर जो मैंने प्लांट रखी हो, ये वो सब भी ह्यूमिडिटी लवर है। तो पेबल ट्रे से सारे प्लांट को ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं। अब बोलती हूँ प्रोपोगेशन के बारे में। मॉन्स्टेरा की प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। जस्ट आप जब भी मॉन्स्टेरा की कटिंग करोगे, ये एरियल रूट्स जो होते हैं, देखिए बहुत सारे एरियल रूट्स इसके निकलते हैं, जब काट करोगे एरियल रूट्स को रख के आप ऐसे इस साइड से काट करना, इसके बाद इसको वाटर में रख देना। देखिए मैंने ये रखी हूँ, आफ्टर 2 weeks इसका रूट्स कितने अच्छे से डेवलप्ड हुए हैं। तो इसके बाद इसको आप सॉइल में प्लेस कर देना, और आप डायरेक्टली भी सॉइल में प्लेस कर सकते हो, क्योंकि एरियल रूट्स तो निकला ही है, तो ये आराम से सॉइल में ये सेट हो जाएगा। तो आराम से आप प्रोपोगेशन कर सकते हो। मॉन्स्टेरा बहुत ही एक कॉस्टली प्लांट है, इसलिए आप, आपके फ्रेंड्स हो, आप जहाँ भी जाओगे तो देखोगे तो कटिंग लेके ना आप आराम से इसको अपने घर लगा सकते हो। अब बोलती हूँ मॉन्स्टेरा की पॉट के बारे में। मॉन्स्टेरा को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, स्पेशली मॉन्स्टेरा जो एडेंसोनि होते हैं ना, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। और जो बड़े साइज़ का जो मॉन्स्टेरा होते हैं, उसको आप बड़े गमलों में प्लेस करना, क्योंकि इसके रूट्स बहुत अंदर से जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो पॉट सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं
हैंगिंग बास्केट एंड सोनी के लिए यूज़ कर सकते हो, और बड़े जो मोस्टरा होते हैं उसको आप बड़े गमलों में प्रेस करना, छोटे जो मैडन सोनी होते हैं उसको आप पहले छोटे गमलों में लगाना, इसके बाद बड़े गमलों में इसको प्लेस कर देना ग्रोथ के हिसाब से। अब बोलती हूँ मोस्टरा के क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग के बारे में। देखिए मोस्टरा के लीव्स बहुत ही बड़े होते हैं और मोस्टरा रेन फॉरेस्ट की प्लांट होते हैं, तो इसके लीव्स हर टाइम साफ ही रहते हैं, इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना होगा मोस्टरा के जो लीव्स होते हैं वो बहुत क्लीन हो, क्योंकि क्लीन ना हो तो इसमें बहुत सारे इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक गीले कपड़े से इसको आप ऐसे अच्छे से नीचे हाथ रख के आराम से इसको ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे पोंछ देना, तो इससे प्लांट भी खुश, फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। मोन्स्टेरा की ग्रोइंग पीरियड है मानसून के टाइम, उस टाइम में मोन्स्टेरा बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। देखिए कितने सारे न्यू लीव्स मेरे आ रहे हैं, ये देखिए सारे ब्रांचेस में देखिए न्यू लीव्स है, इसमें इसमें इसमें। तो मोन्स्टेरा की ग्रोइंग पीरियड है मानसून के टाइम, उस टाइम में आप थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखना, उस टाइम में थोड़ी सी जो सीवीड फर्टिलाइज़र है ना उसको थोड़ी सी स्प्रे कर देना पत्तियों में, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। और उस टाइम में थोड़ी सी ध्यान रखना कि आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो, और इसके जो केयर है उस टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छे से इसके पत्ते निकलेगा, अपना आपका जो मोन्स्टेरा है बहुत अच्छे से इसका ग्रो होगा। और इसके जो मोस्टिक है उसको आप उस टाइम में थोड़ी सी गीली रखना, क्योंकि उस टाइम में गीली रखने से एरियल रूट्स को मोस्टिक से आराम से पानी मिलेगा, खाना मिलेगा और आराम से ये बढ़ेगा। मानसून के बाद विंटर सीजन में थोड़ी सी डोरमेंसी में चले जाते हैं, उस टाइम में ग्रोइंग पीरियड थम जाते हैं, कोई बात नहीं स्प्रिंग के टाइम फिर अच्छे से इसका ग्रो शुरू हो जाते हैं। तो अब बोलती हूँ मोन्स्टेरा की इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। देखना आप जितने भी वैरायटी होते हैं मोन्स्टेरा के, सारे लीव्स में एक तो साइड से कट होते हैं देखिए, नहीं तो बीच बीच में कट होते हैं, ये देखिए इसमें इसमें, ये देखिए एडम सोनी के बीच में से कट होते हैं। तो अब बोलती हूँ किस लिए, ये मेरे बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मोन्स्टेरा हेवी रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं और इसके लीव्स बहुत ही बड़े होते हैं। जब आप सोचो एक बात, जब इसके लीव्स ऐसे बंद रहेगा पूरा, तब क्या होगा, जब बारिश इसमें गिरेगा तब ये फोर्स ये सहन नहीं कर पाते, इसलिए इसके बीच में से ये काट होते हैं, तो जब रेन इसमें गिरते हैं तब इस साइड से ये नीचे गिर जाते हैं, इसलिए नेचुरली ये डिज़ाइन करा गया है कि इसके बीच बीच में ये काट है। सारे मोन्स्टेरा पे ही ये डिज़ाइन है। और देखिए नीचे जो प्लांट होते हैं, नीचे जो लीव्स होते हैं देखिए, इसमें कोई भी काट नहीं होते, क्योंकि इसमें तो फोर्सली पड़ते ही नहीं है रेन, इसलिए इसको देखना आप ये मनी प्लांट के जैसा ही लग रहे हैं। जब जितना बड़ा होगा उतना ही कट इसका ग्रो होता रहेगा, देखिए ये है एक फैक्ट। और एक बात, मोन्स्टेरा को आप जब भी लगाओगे देखना इसके एरियल रूट्स निकलते हैं बहुत अच्छे से, और आप किसी भी प्लांट के पास इसको रखोगे तो उस प्लांट को ये ऐसे पकड़ लेगा। तो आप आपके इंडोर में जब रखोगे इसको आप मोस्टिक में लगाना, तो इसको अच्छे से आपको सपोर्ट नहीं देना होगा, ये खुद से ही इसको पकड़ लेगा। तो जब भी आप मोन्स्टेरा को लगाओगे तब इसको आप मोस्टिक में प्लेस करना। एक तो गया रेन के लिए ये प्लांट ऐसे नेचुरली डिज़ाइन है, और एक चीज़ के लिए ये डिज़ाइन है सनलाइट के लिए, क्योंकि ये जब
ऊपर का जो प्लांट लीफ होते हैं ये जो बहुत बड़े होते हैं, ऊपर में जब रहेगा नीचे का जो पत्ते होते हैं ना, इसको सनलाइट नहीं मिलेगा, तो इस सनलाइट नहीं मिलने से ये खाना भी नहीं बना पाएगा। इसलिए ऊपर में जब ये छेद होते हैं इससे इसको नीचे वाले जो प्लांट लीव्स होते हैं इसको आराम से सनलाइट मिल जाते हैं और ये खाना बना लेते हैं। तो यही गया फैक्ट किस लिए मोन्स्टेरा के ये डिज़ाइन होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।